वस्त्र और आभूषण न केवल हमें सर्दी, गर्मी, बारिश आदि मौसम के प्रभाव से बचाते हैं, बल्कि ये हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ ये किसी भी संस्कृति की एक पहचान बन जाते हैं। तो आइए आज हम हरियाणा राज्य में महिलाओं और पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले प्रमुख वस्त्र एवं उनके आभूषणों के बारे में जानते हैं। यदि हम हरियाणा के पारंपरिक वस्त्रों की बात करते हैं, तो उसमें पुरुषों के लिए धोती, कुर्ता और सिर पर पगड़ी, महिलाओं के प्रमुख वस्त्रों में कुर्ता, दामन और चुनरी, ये प्रमुख वस्त्र हैं हरियाणा प्रदेश के पुरुषों का पहनावा व आभूषण। हरियाणा के पुरुष सिर पर पगड़ी बांधते हैं, जिसको हरियाणा में अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे पगड़ी, खंडवा, साफा, पाग, पग आदि। कानों में पहने जाने वाला आभूषण जो सोने की बनी होती है, मुरकी, कई स्थानों पर इसे कर्णफूल या बाली के नाम से भी जानते हैं। हाथों की उंगली में अंगूठी, जिसे छाप भी कहा जाता है। गले में पहने जाने वाले आभूषणों में काला डोरा, जिसके अंदर सोने का ताबीज या तबीजी पहनी जाती है। उसके अलावा माला, कंठी, ये भी पुरुष पहनते हैं। हाथ में कड़ा पहना जाता है। हरियाणा के पुरुष धोती और कुर्ता पहनते हैं। कमर पर एक कपड़े को बांधते हैं, जिसको अंगोछा, गमछा या कमरी कहा जाता है, और पैरों में नोकदार जूती पहनना पसंद करते हैं। हरियाणा के पुरुषों की एक और पहचान है हाथ में लाठी रखना, जिसको हरियाणवी भाषा में लठ कहा जाता है। हरियाणा प्रदेश की नारियों की वेशभूषा व आभूषण। अगर हम सिर के आभूषणों की बात करें, तो उसमें छाज, यह माथे पर लटकाया जाने वाला आभूषण होता है, जो चांदी या सोने का बना होता है। छाज से ऊपर जहाँ स्त्रियां मांग भरती हैं, वहां पर बोरला या राखड़ी नामक आभूषण पहनती हैं। ध्यान रहे, बोरला को राखड़ी भी कह देते हैं कई स्थानों पर। यह आभूषण सोने, चांदी, लाख या नगीनों से जड़कर बनाया जाता है। माथे पर एक और आभूषण बांधते हैं, जिसको सिंगार पट्टी भी कहा जाता है। दोनों भौहों के बीच में महिलाएं बिंदी लगाती हैं, जिसे टिक्की भी कहा जाता है। सिर के ऊपर अगर वस्त्रों की बात करें, तो महिलाएं चुनरी या चुंदड़ी ओढ़ती हैं, कई स्थानों पर वायल भी कह देते हैं। फूल, यह सोने या चांदी से बना आभूषण होता है, जो सिर के ऊपर बांधा जाता है। बेसर, यह सोने की बनी होती है, जो माथे पर बनती है। तागा, यह भी सोने या चांदी दोनों में से किसी भी धातु का हो सकता है, माथे पर इसका प्रयोग किया जाता है। टिक्का,
अधिकतर सोने का बना होता है और माथे पर लटकता रहता है। क्लफ बालों में प्रयोग किए जाने वाले आभूषण हैं जो सोने या चांदी की बनी होती है। नाथ सोने की बनी नाथ नाक में पहनी जाती है। यह नाक से कान की तरफ एक चैन के द्वारा बांधी जाती है। पुरली भी नाक में पहने जाने वाले एक आभूषण है जो सोने की बनी होती है। कुछ महिलाएं नाक में कोका पहनती हैं जो सोने का बना होता है। लौंग यह भी सोने से बनी होती है और नाक में पहनी जाती है। बुजनी कानों में पहनी जाती है जो सोने या चांदी की बनी होती है। कानों के लिए बाली का भी प्रयोग किया जाता है जो सोने या चांदी की बनी होती है। डांडे यह आभूषण कानों के पास लटकते हैं जो चांदी के बने होते हैं। सोने या चांदी से बने कर्णफूल भी कुछ महिलाएं कानों में पहनती हैं। गले में पहने जाने वाले आभूषण गंठी जिसे जुगनी गंठी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही एक और आभूषण जिसको गलश्री या गलपटिया भी कह देते हैं। यह गर्दन के पास ही रहता है। उसके नीचे हंसला या हंसली पहनी जाती है। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, हंसला की थोड़ी मोटाई अधिक होती है, हंसली थोड़ी पतली होती है। हार भी पहनते हैं। पतरी स्त्री या पुरुष दोनों के लिए गले का जेवर है। मटर माला का भी प्रयोग किया जाता है जो चांदी के बने मनके होते हैं जिसके अंदर छाती तक लटकता हुआ एक आभूषण पहनती हैं जिसको हमेल या तिमणिया कहते हैं। महिलाएं अपनी कमर पर चांदी का एक विशेष आभूषण पहनती है जिसे तागड़ी कमरबंद या तकड़ी कह देते हैं जो उनकी कमर पर बंधा होता है और साइड में एक तरफ लटकता है। महिलाएं अपने घाघरे या दामन के नाड़े से एक आभूषण बांधती हैं जिसे झब्बेदार नाड़ा कहा जाता है। कमर पर पहने जाने वाला एक और आभूषण है जो एक तरफ लटकता रहता है जिसे नौ डांडी का बाजना भी कह देते हैं। पल्लू चांदी का जेवर जो स्त्रियों के ओढ़ने के पल्ले से बांधा जाता है। बाजू पर जो आभूषण पहना जाता है उसे बाजूबंद टड्डे या टड़ा कह देते हैं। महिलाएं हाथों में चूड़ियां कड़े चूड़ामणि कंकण आदि पहनना पसंद करती हैं। हथेली के पीछे वाले भाग में हथपुल या पाती पहनती हैं जो चांदी से बनी होती है। उंगलियों में अंगूठी पहनी जाती जिसे बिट्टी मुंदड़ी या छाप कहा जाता है। पैरों के कुछ आभूषण इस प्रकार हैं, पायल रमझोल पाजेब गाल्या पगपान टनका तोड़ा लंगर हीरनामी कड़ी छैलकड़े फूल ताशरी गिटियां गजरियां पासरी कड़ी चुटकी क
कड़े, बिछुए, झांझर, अंगूठा, झांझर चूड़ी, छोटी नेवरी, बिछुए आदि। हरियाणा में महिलाएं पाँव में सोने के आभूषण नहीं पहनती, इसलिए पैरों के सभी आभूषण चांदी के बने होते हैं।